जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें और मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए शुरुआत करते हैं। हु इज़ हु में इस महीने के जो टॉप नेम्स हैं, फर्स्ट हम उनका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम सीरियल से लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले नाम मैंने लिया है इसरो चेयरमैन के सिवन का। इसरो के चेयरमैन कौन है? के सिवन है। के सिवन को तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगस्त के महीने में APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दिया है। APJ अब्दुल कलाम। अब बात हो रही है इसरो की। जब कभी इसरो का नाम आए, चार बातें कंपलसरी आप याद रखें। पहला है इसका फुल फॉर्म, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ 1969 में। थर्ड, इसरो का हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फोर्थ है इसरो के चेयरमैन, और इसके चेयरमैन हैं के सिवन। और इसरो ही वो डिपार्टमेंट है जिसने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया है। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के रीसेंट जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह ये रीसेंट न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है अगस्त के महीने में, वो है डिफेंस सेक्रेटरी का। तो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार, न्यू डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भी नया अपॉइंटमेंट हुआ है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है मृत्युंजय महापात्रा। ये चार नाम न्यू रिसेंट अपडेट हुए हैं, याद रख लें। आइए सीरियल से अब लिस्ट देखते हैं। पहला लिस्ट में पहला नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सुप्रीम चीफ कमांडर भी कहा जाता है, यानी जो हमारे तीन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है इनका जो चीफ कमांडर होते हैं वो चीफ कमांडर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। कंफ्यूज ना हो, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, सुप्रीम चीफ कमांडर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीन भी हैं रामनाथ कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। और एक ख़ास बात के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 कहता है कि इस देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए, और प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट नाम है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है आर्टिकल 63 के तहत इस देश का एक वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जाता है, यानी राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के लीडर होते हैं और साथ ही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन, लोकसभा लीडर, प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों हैं श्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नाम है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं रंजन गगोई, और लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। नेक्स्ट चार पांच अहम नेशनल कमीशंस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं जस्टिस एच एल दत्तू। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके चेयरमैन हैं भगवान लाल साहनी। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये कमीशन के चेयरमैन हैं रेखा शर्मा। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके चेयरमैन हैं नंद कुमार। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके चेयरमैन हैं रामशंकर कठेरिया। ये पांचों नेशनल कमीशंस के चेयरमैन्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन्स में। फर्स्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील अरोरा। और वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग,
नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं राजीव कुमार, और चेयरमैन हमेशा प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं वो हैं राजू महर्षि। अगर क्वेश्चन पूछे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, वो हैं राजू महर्षि। और नीति आयोग के जो CEO है वो है अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO है अमिताभ कांत। तीन नाम है नीति आयोग के बारे में, एक है नीति आयोग के चेयरमैन, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन और नीति आयोग के CEO। ये तीन नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ DRDO। DRDO के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अटॉर्नी जनरल जो हैं KK वेणुगोपाल। कन्फ्यूज ना हो, सॉलिसिटर जनरल अलग और अटॉर्नी जनरल अलग याद कीजिए। सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल हैं KK वेणुगोपाल। उसके बाद हैं चेयरमैन UPSC। चेयरमैन UPSC हैं अरविंद सक्सेना। और SSC के जो चेयरमैन हैं वो है आशिम खुराना। SSC के चेयरमैन हैं आशिम खुराना। CBI के डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर ऑफ CBI। आजकल CBI के धावे बहुत हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है CBI के डायरेक्टर के ताल्लुक से नाम पूछ लें। तो CBI के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। वहीं पर IB के जो चीफ होते हैं, IB के चीफ का नाम है अरविंद कुमार। और रा का जो डायरेक्टर होता है, रा के डायरेक्टर का नाम है समंत कुमार गोयल। और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये हैं सुदीप लखटाकिया। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल। ये पांच नाम भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये हैं जनरल बिपिन रावत। और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स ये हैं बृंदर सिंह धनुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ये हैं KK नटराजन।